एक स्टूडेंट को जो अभी तक उसने पढ़ा है, चूंकि अभी सिर्फ 30 दिन ही शेष है, तो जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है, उसके बाद अपना रिविजन प्लान बनाना है। वो वीकली टारगेट एक मध्यम मार्ग को सपोर्ट करता है, जहाँ पे किसी दिन अगर थोड़ी कम पढ़ाई भी हुई तो अगले दिन आप थोड़ा बढ़ा के पढ़ाई उसको मीटअप कर सकते हैं। मेंस का जो नेचर है, यहाँ पे लक फैक्टर सबसे कम काम करता है, यहाँ पे आपका मेहनत, आपका प्रैक्टिस काम करता है। अगर आपने टेस्ट खूब लिखा है, सही दिशा में लिखा है, टॉपर्स कॉपी एनालिसिस किया है, PYQ एनालिसिस किया है, तो पक्का आपका मेंस होगा, डरना नहीं। कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना आपके हाथ में है, फल की चिंता मत कीजिए। और आप देखेंगे कि अगर सिर्फ आप कर्म पर बल देते हैं, फल की चिंता को छोड़ देते हैं, तो आपका स्ट्रेस एंजाइटी यही समाप्त हो जाएगा और आपका जो निष्पादन है वो पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो ये कहावत है, ये मेंस में चरितार्थ होता है। तो नमस्कार दर्शकों, विजन IAS के फैकल्टी कन्वर्सेशन वीडियो की इस सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो इन 30 दिनों का कैसे सही से सदुपयोग करते हुए कैसे हम मैक्सिमम अपना आउटपुट लेकर के आ सकते हैं, इस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन IAS से एक्सपर्ट फैकल्टी सोना मैम। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं इंद्रजीत सर। सर स्वागत है। थैंक यू सर। सर मैं हमारा डिस्कशन शुरू आपसे ही करना चाहूँगा, तो अगर हम बात करें कि अभी जो आने वाले लगभग 30 दिन बचे हुए हैं, इन 30 दिनों में स्टूडेंट्स को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? चुनौतियां बताने के पहले सौरभ, मैं उन स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं जो मेंस एग्ज़ाम के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट लिख चुके हैं, रिविज़न कर रहे हैं और अभी भी अपना पूरा कॉन्फिडेंस बनाए हुए हैं, तो सीरियसली वो बधाई के पात्र हैं। जी सर। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इसको मैनेज करना आसान बात नहीं है, और यही स्ट्रेस से हम लोग चुनौती पे आते हैं। जब चुनौती देखते हैं तो जो स्टूडेंट नोट्स बना चुके हैं, उसको रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन अभी वो फेज है जहां उनको हमेशा डाउट होता है कि उनकी तैयारी पूरी हुई है कि नहीं। जी। सारे नोट्स बने हैं कि नहीं, उसका रिवीजन एक बार हुआ, दो बार हुआ, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है उस कॉन्सेप्ट में, या फिर उस फैक्ट्स बहुत सारे याद नहीं होते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स कम टेस्ट लिखे हों, इसलिए भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा हो। कुछ टेस्ट लिख रहे हैं, काफ़ी टेस्ट लिखे हैं, तब भी वो मार्क्स उनका 70s 80s में आ रहा है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना 3 घंटा में टेस्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी सर। बहुत बार ये भी देखा गया है कि या तो आप ऑप्शनल बहुत ज़्यादा ले लिए और आपका GS पीछे रह गया। जी जी सर। या फिर दोनों ले लिए और SC पीछे रह गया। तो ये जो मैनेज करने का जो स्ट्रेस है, ये सब ढेर सारा चुनौती उनको फेस करना पड़ता है। मैम अभी सर ने जो चुनौतियाँ बताई हैं, ये काफ़ी विस्तार से सर ने बताई हैं, तो अगर हम इन चुनौतियों पर एक एक करके बात करें जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो रिवीजन का एक जो फैक्टर है कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, और साथ ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हाई यील्डिंग आउटपुट जो देते हैं, तो इन दोनों का कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए स्टूडेंट्स को बताइए। जी सौरभ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट को जो अभी तक उसने पढ़ा है, चूँकि अभी सिर्फ 30 दिन ही शेष है, तो जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है, उसके बाद अपना रिवीजन प्लान बनाना है। अब रिवीजन प्लान कैसे बना सकते हैं, टेस्ट के साथ लिंक करके, कि आप अल्टरनेट डे पर जो टेस्ट दे रहे हो, अपने टेस्ट के साथ अपने रिवीजन प्लान को लिंक कर लीजिए, जो आप टेस्ट दे रहे हो उसी का जो सब्जेक्ट मटीरियल है उसे आप रिवाइज कर लीजिए। लेकिन रिवीजन की ये जो बात है उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि रिवीजन में आपने जो नोट्स अभी तक बनाए हैं टॉपिक वाइज, वो नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जो बच्चे नोट्स बना चुके हैं उनके लिए तो रिवीजन का अपना जो सबसे बेहतर स्रोत है वो उनके नोट्स ही रहेंगे, प्लस करंट इत्यादि आप टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं या जिनका ये काम अभी अधूरा है, उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव है कि जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम 1 वीक तक का समय और लेकर अपनी जो नोट्स मेकिंग एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका रिवीजन स्ट्रीमलाइन हो पाए। क्योंकि जो अनुभव कहता है सौरभ की बच्चे सही से रिवीजन नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि रिवाइज क्या करना है और कहां से करना है। तो कहां से करना है, इसका उत्तर तो हमें
नोट से मिल जाता है। अब रिवाइज क्या करना है, जैसा आपने भी पूछा था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हाई यील्डिंग होते हैं, मतलब कम एफर्ट लगाकर भी आप मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, ऐसे हो गया। तो एक स्टूडेंट इन सारे जो सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस कर सकता है, कंपैरेटिवली अच्छे नोट्स बनाकर, अच्छे डेटा फैक्ट सब तैयार रखकर, वैल्यू एड करके जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इन सब्जेक्ट्स पर एक स्पेसिफिक वे से स्टूडेंट ध्यान दे सकता है। जी मैम, आपने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया है। अब सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अब आंसर राइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मुख्य परीक्षा के लिए, तो आंसर राइटिंग के लिए स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले 30 दिनों में? एक तो जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग पहले से कर रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली भी आसान है जी डील करना, इवन इस प्रेशर को डील करना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अब तक 4-5 टेस्ट दिया या 6 टेस्ट दिया है अभी तक, और कुछ स्टूडेंट ने तो अभी तक टेस्ट भी नहीं दिया होगा। हाँ। होता है कि मैं पहले पढ़ लूँ और बाद में मैं टेस्ट दूंगा। जी। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि घबराना नहीं। हाँ। 30 दिन कम समय नहीं होता है। हाँ सर, 30 दिन में आप इतना कर सकते हो आराम से कि आपका मेंस पक्का निकलेगा। जी। करना क्या है कि आने वाले समय में अभ्यास आ रहा है। जी सर। अभ्यास मान लीजिए कि आपका एक्चुअल एग्जाम आने वाला है। हाँ। तब तक आप अल्टरनेट डे पे, अगर आपने सब कुछ, मैं तो कहूँगा अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, रिविजन कर लिया है, तो आप डेली भी एक टेस्ट लिख सकते हो। जी। लेकिन अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो अल्टरनेट डे पे आप टेस्ट लिखें। अब क्या है कि टेस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है कि वो 3 घंटे में पूरा नहीं होता है। जी। और लगभग स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी में कि 3 घंटे में ही मुझे टेस्ट लिखना है प्रैक्टिस में भी। हाँ। और 3 घंटे में चाहे वो 2-3 सवाल छूट ही क्यों ना जाए, या फिर 4-5 सवाल में बड़ा जल्दीबाजी में वो शॉर्ट में लिख के आ जाते हैं। तो जो प्रैक्टिस है आपका वो हमेशा इसी प्रकार से होगा, आप एग्जाम हॉल में भी 2-3 सवाल को अच्छे से नहीं लिखेंगे, फिर मार्क्स अच्छा नहीं आता। बेहतर तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग का, रिवर्स तरीके से हमें पहुँचना है। जी। कैसे? अगर आपका ऑर्गेनिक स्पीड है 3:30, 3:40, तो आप अगले टेस्ट को टारगेट कीजिए 3:35 के लिए। फिर उसके अगला टेस्ट को टारगेट कीजिए 3:30 के लिए। 5-5 मिनट आपको गेन करना है हर एक टेस्ट में। जी। लेकिन वो गेन तभी हो पाएगा जब जो टेस्ट होने वाला है उसका अच्छे से आप बार बार रिवीजन करके जाएं। जी। दूसरी बात कि जो एक तो होता है कि भाई टेस्ट मैंने, मुझे कल ये देना है, उसके लिए आप रिविजन आज कर रहे हैं। दूसरा एक रिविजन साइकिल होता है जो मॉर्निंग में GS और ऑप्शनल के लिए 1-1 घंटा पैरेलली चलता रहना चाहिए। जी। वो आपके मेंस एग्जाम तक एक्स्ट्रा 2-3 रिवीजन करा देता है। जी। तो आप अभी से अल्टरनेट डे पे टेस्ट दें, और अगर आपका इन जनरल ऑर्गेनिक स्पीड 3:40 मिनट 3:30 मिनट होता है स्टूडेंट का, तो आप अभ्यास तक 3 घंटा में पहुंच जाएंगे। जी सर। उसके बाद अभ्यास को यूटिलाइज कीजिए और 3 घंटे में पेपर दीजिए। और अभ्यास के बाद का जो समय है आपको 15 दिन मिलेगा उसके बाद भी, उसमें आप अपना 2 अभ्यास बनाइए। हाँ। इसका क्या मतलब है? फुल लेंथ टेस्ट जो आपके GS के हैं, ऑप्शनल के हैं, इवन SA के हैं, तो वो UPSC के अनुसार, UPSC के पैटर्न के अनुसार, उस टाइमिंग के अनुसार आप टेस्ट सेंटर पे जाके टेस्ट दें। पहले ऑब्वियसली SA, फिर आपका GS पेपर 1-2 एक दिन, 3-4 एक दिन, और एक दिन ऑप्शनल, 4 दिन आप लगातार दें। 1-2 दिन का गैप लें, फिर 4 दिन लगातार दें। तो कायदे से आप 3 इस प्रकार का आप मॉक दे पाएंगे पूरा UPSC सिमुलेशन में। जी। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो आप जब एग्जाम हॉल में जब जाओगे इतना करने के बाद, तो आपको एहसास होगा कि एक्चुअली आप मॉक ही लिख रहे हो, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जी मैम, सर ने काफ़ी विस्तार से आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए वो बताया है, लेकिन एक जो मुख्य समस्या स्टूडेंट्स को आती है कि वो एक एवरेज मार्क्स के लूप में फंस जाते हैं। जी। उनको हर टेस्ट में वही 70s 80s में मार्क्स आते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इसको लेकर बहुत ही क्लियर स्ट्रेटजी है, वो ये कि एक बच्चे को आंसर राइटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं उनकी सही समझ होनी चाहिए, और एक एक एलिमेंट को उठाकर वो अपने आंसर्स को खुद से भी इवेल्युएट करके देख सकता है कि कहाँ क्या कमी है। जैसे कि सबसे पहले, सबसे बेसिक तो है कि बच्चा जो क्वेश्चन है उसकी एग्जैक्ट डिमांड को समझे, उसे टारगेट करे, क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि हम मार्क्स से इधर उधर भटक जाते हैं और जो पूछा गया है उस पर नहीं केंद्रित रह पाते। इसके बाद आज के समय में
कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। आप देखोगे टॉपर्स की कॉपी, कंपेयर कीजिए और देखिए टॉपर्स इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, हर एक पार्ट में क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी आपको भी देनी पड़ेगी। आपको प्रेजेंटेशन के लेवल पर काम करना पड़ेगा, कहाँ डायग्राम बनाना है, कोई मैप बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, क्या इन्फॉर्मेशन कितना ईजी और कैची वे से आप एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आपके मार्क्स को प्रभावित करता है। आप कितना आंसर्स में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, आपके पॉइंट फ्लैट हैं या फिर आपने प्रॉपर अपने पॉइंट्स, अपने आर्ग्यूमेंट को जो है आप देखोगे एग्जांपल के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, केस स्टडी इत्यादि के माध्यम से पुष्ट किया है, आप पाएंगे कि आप अन्य विद्यार्थियों से बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही करंट अफेयर लिंक करना नहीं भूलना, क्योंकि ये बताता है कि एक जो एस्पिरेंट है वो कितना अवेयर है अपनी सराउंडिंग को लेकर और कितना इजीली वो चीजों को लिंक कर पाता है, और ये सारी क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटर में भी चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर काम करके एक बच्चा अपने आंसर्स की क्वालिटी को अच्छा बना सकता है। जी मैम, जो मुझे समझ में आया है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को अपनी जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे समझने पर फोकस करना चाहिए, और उसके बाद में उसका जो प्रेजेंटेशन है वो, और फिर उसमें क्वालिटी लेकर के आनी चाहिए। जी सर। जी मैम, सर अगर मैं, मैम ने जैसे बताया कि उसमें क्वालिटी आंसर्स में होनी चाहिए, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स अब क्योंकि लगभग सिर्फ 30 ही दिन बचे हैं, तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो भी करंट अफेयर्स को लेकर के समस्याओं का सामना कर रहे हों, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? बेसिकली जो करंट अफेयर है, जो स्टूडेंट ऑब्वियसली पहले से मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। लेकिन जो स्टूडेंट करंट अफेयर इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मैगजीन है विजन आई एस का मेन 365। आप ऐसे मेन 365 भी एक एक सब्जेक्ट का 100 पेजेस के हैं। जी जी। आसान नहीं है उसको इंटीग्रेट करना। उसका सबसे सरल तरीका है कि आप जब कोई भी सब्जेक्ट उठाएं तो पहले 3-4-5 घंटे में उसका PYQ एनालिसिस कीजिए। जी जी। PYQ आप एनालाइज करते हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छे से अगर आप PYQ एनालाइज करते हो तो आप एक्चुअली क्वेश्चन आउट कर दोगे क्या पूछने वाला है। जी। आपको मेन 365 में उसी टॉपिक पे फोकस करना है ज़्यादा। हाँ। और उसके अलावा जो मेन 365 का अलग से इस साल से क्विक फैक्ट्स का डॉक्यूमेंट विजन आईएएस रिलीज कर रहा है। हाँ। वो 8-10 पेज का होता है। जी। तो उसमें उसके जो डेटा हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं, उसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, केस स्टडी है, जी, उसको आप अपने नोट्स में जरूर शामिल कीजिए। हाँ। एक चीज़ याद रखना है कि बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि मैं सीधे मैगजीन पढ़ के और उसको मैं एग्जाम हॉल में ले जाऊंगा। हाँ, होता तो संभव नहीं है। संभव नहीं। हाँ। उसका ऑर्गेनिक तरीका है कि आपके नोट्स में किसी भी प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में शामिल होना चाहिए। जी। फिर वो रिविजन साइकिल में आएगा। हाँ। उसके बाद वो मॉक टेस्ट में आएगा और फिर जाके वो आपके एग्जाम हॉल में, UPSC एग्जाम हॉल में आएगा। ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। भले ही आप फास्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी समय कम है, जल्दी आपको इंटीग्रेट करना है। तो सौरभ, इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी मैम, अभी सर ने जो बताया है करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, अब ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो गई। इसी को लेकर के विजन आईएएस जो है अभ्यास प्रोग्राम जो अपना हर वर्ष लेकर के आता है, उसमें इस बार नया कुछ जोड़ा गया कि ऑप्शनल टेस्ट जो है वो भी हमने शामिल किए हैं। तो अभ्यास के बारे में हमें थोड़ा बताइए, वो कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा? देखिए, अभ्यास के बारे में तो मुझे लगता है सौरभ कि मैक्सिमम स्टूडेंट काफ़ी जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर अभ्यास की इम्पॉर्टेंस यहाँ पर ब्रीफ कर पाऊँ तो यही है कि अभ्यास एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट एक एस्पिरेंट को देता है। क्योंकि आप देखोगे कि जो एक एंग्जाइटी है वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलती है कि फाइनल जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम क्या फील करेंगे, उससे पहले जो नर्वसनेस होती है वो आई थिंक नर्वसनेस का पीक होता है। तो अगर पहले बच्चे उसी तरह के एनवायरनमेंट में कोई एक टेस्ट ही दे चुके हैं तो वो मोर एंड लेस उनको सिमिलर तरह का फील देता है, वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लेवल को कम कर देता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो अभ्यास का यही है, प्लस इसमें एनालिसिस भी होता है, डिस्कशन भी है, बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ये आंक सकते हैं कि अभी वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये भी देखा गया है सौरभ कि विगत वर्षों में जो अभ्यास कंडक्ट हुआ उसमें बच्चों का जो स्कोर रहा, फाइनल एग्जाम में भी उनका स्कोर लगभग उसके आसपास ही रहा है। तो काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी रियलिस्टिक तरह का इवेल्युएशन अपनी परफॉर्मेंस का एक स्टूडेंट को यहाँ पर मिल जाता है। और जैसा आपने नया ऐड करने की बात यहाँ पर की है, तो नया इस बार से जो ऐड हुआ है वो है कि
कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं। तो प्रॉपर एक बच्चा एसए जीएस ऑप्शनल सभी को बिल्कुल एग्जाम जैसे माहौल में देगा तो उसे वही फील देगा कि वो फाइनल एग्जाम दे रहा है। तो ये सब चीजें हैं अभ्यास के बारे में। जी मैम, निश्चित ही जो इस बार विजन ने अभ्यास की जो टाइमिंग रखी वो भी बहुत अच्छी रखी है। जो हमारे टेस्ट हैं वो 24 और 25 अगस्त को और फिर 31 अगस्त और 1 सितंबर को है। लगभग जो है 18-19 दिन का स्टूडेंट्स को टाइम मिल जाएगा अपने प्रदर्शन में जो सुधार उन्हें करने हैं वो कर पाएंगे उसमें। जी बिल्कुल जी मैम, मैं साथ ही आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब जो इस आने वाले जो समय है इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी स्टूडेंट्स को आ सकते हैं, तो वो क्या क्या है? बिल्कुल आ सकते हैं सर। सबसे पहला तो इमोशनली अपने आप को मैनेज करना है ना। कभी भी एक स्टूडेंट इमोशनल आउटबर्स्ट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जैसा सर ने बताया चैलेंज बहुत सारे हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि हेल्थ रिगार्डिंग कंसर्न भी हो सकते हैं। आप देखोगे कि मौसम अभी बदल रहा है ना, वायरल अलग अलग तरह की बीमारियां आज के समय में फैल रही है, तो ये भी एक कंसर्न है। और इसके साथ साथ कई बार लास्ट टाइम स्टूडेंट को लगता है कि ये टॉपिक मेरा अच्छे से तैयार नहीं है या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारे कंसर्न्स एक स्टूडेंट के सामने हो सकते हैं। तो जहाँ तक बात किसी टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर की है उसको लेकर एक एस्पिरेंट बिल्कुल निश्चिंत रह सकता है। पीयर ग्रुप है, हम मेंटर सुविधा दे रहे हैं, उनका लाभ लेकर अपने उस टॉपिक के बारे में जो भी उसके डाउट उन्हें क्लियर कर सकता है। जहाँ तक बात है हेल्थ की, तो बैलेंस डाइट और अच्छे से चीज़ों को प्लान करके रखिए। ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, हेल्दी खाओगे क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये बात आपको मान के चलनी है। और साथ ही जहाँ तक बात है इमोशंस की, मेंटल हेल्थ की, तो उसको लेकर सौरभ विजन आईएएस ने जो है एक स्पेसिफिक सेल बनाई है, एक स्पेसिफिक सेल या सेंटर है जिसकी सहायता एक बच्चा ले सकता है। जी जी मैम, आपने जो बताया अभी कि विजन आईएएस द्वारा स्टूडेंट्स के स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के एक स्टूडेंट वेलनेस सेल बनाई गई है, तो इसके बारे में बताइए वो कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करेगी? देखिए, अगर स्टूडेंट का जो डर है या एंग्जाइटी है वो बहुत बेसिक लेवल पर है, बेसिक लेवल मेरा कहने का मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट उनसे नहीं हो पा रहा है ना, अपने पढ़ने अपने टेस्ट लेखन का जो कार्य है उसे कैसे बैलेंस करें, या और कोई छोटे मोटे स्तर की एंग्जाइटी स्ट्रेस है, तो उसके लिए हमारे पास जो है प्रोफेशनल मेंटर्स हैं जो एक स्टूडेंट की हेल्प करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम उसके सामने ना आए। अगर उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सीवियर है, उसे बहुत ज़्यादा नकारात्मक तरह के थॉट आ रहे हैं, आत्मसंशय का भाव अगर एक विद्यार्थी को घेर रहा है, तो ऐसे में फिर हमने प्रोफेशनल जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी व्यवस्था की है, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जिस भी तरह का आपका कंसर्न उनका समाधान हो जाएगा। यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करके जो आपके विचार नकारात्मक दिशा में जाने लगे हैं उनको फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचक के जो है वो वेलनेस सेंटर की हेल्प ले सकता है। जी मैम, आपने तो बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया है, लेकिन सर जो मैम ने जो चुनौतियाँ बताई हैं उसमें एक आसान जो तरीका होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट को, कि अगर स्टूडेंट अपने टाइम को सही से मैनेज कर लेता है तो अपने स्ट्रेस को काफ़ी कम कर सकता है, तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप क्या सुझाव देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए, इन जनरल जो काफ़ी जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो इतना टफ टारगेट बना लेते हैं जो कभी मीट ही नहीं हो पाता। रियलिस्टिक गोल नहीं बना पाते हैं और वो रियलिस्टिक गोल जब मीट नहीं हो पाता है, वो गोल मीट नहीं हो पाता तो उनका क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है। जैसे अभी से अगर कोई डिसाइड करे कि नहीं मैं डेली 2 टेस्ट लिखूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक तो जो गोल रियलिस्टिक बनाना है उससे स्ट्रेस कम होता है। अब जब रियलिस्टिक गोल बनाना है तो आप देख लीजिए कि वीकली टारगेट बना लीजिए कि इस वीक मुझे इतना टेस्ट देना है, इतना रिवीजन करना है। वो वीकली टारगेट एक मध्यम मार्ग को सपोर्ट करता है, जहाँ पे किसी दिन अगर थोड़ी कम पढ़ाई भी हुई तो अगले दिन आप थोड़ा बढ़ा के पढ़ाई उसको मीटअप कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने गौर किया है कि चूँकि आने वाला जो समय है 30 दिन बाद आपको ऑब्वियसली दिन में लिखना है, दिन में जगना है, और जो लड़के या स्टूडेंट जो रात में जग के पढ़ते हैं तो वो आगे दिक्कत आ जाएगा। जी जी, तो मुझे लगता है कि अब समय है कि आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो स्लीप साइकिल को सुधारना चाहिए, मॉर्निंग आवर्स, एक बुक है 5 AM क्लब, उसमें शायद आपने पढ़ा होगा, उसमें सुबह 5 बजे उठने के फायदे बताए गए हैं। अगर कोई चलिए 5 नहीं 6 बजे भी उठता है और 7 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करता है, 12 बजे तक 5 घंटे निकाल लेता है अपनी पढ़ाई को, तो उसका ये फायदा होगा कि दिन उसका बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि
अगर 10 घंटा इन जनरल अच्छा माना जाता है इस समय, और 5 घंटे उसने 12 बजे तक निकाल लिया जी, उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और उस दिन अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ, कोई हेल्थ इश्यूज भी हुआ, या कोई आ भी गया उसके पास, तब भी मिनिमम आध घंटा तो वो निकाल लेगा, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। दूसरी चीज़ कि जो मॉर्निंग में आपको रिविजन साइकिल जरूर करना चाहिए जी। वो आप टेस्ट लिखे ना लिखे, आपको एक कंटिन्यूस कॉन्फिडेंस देता रहता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ पढ़ा है जी, जी, सर। और ये रिविजन साइकिल जीएस के लिए अलग और ऑप्शनल के लिए अलग होना है जी, जी। दूसरी चीज की टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई जीएस को कितना समय दे, ऑप्शनल को कितना समय दे, एसए को कितना समय दे। तो हमको लगता है कि एसए चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एसए को तो डेली आपको कुछ ना कुछ समय देना चाहिए, लेकिन आपको अभी वीक में 2 एसए तो कम से कम लिखना चाहिए जी, है ना। और अल्टरनेट डे पे जो आप अभी टेस्ट लिख रहे हैं, तो एक दिन जीएस कर दीजिए अल्टरनेट, उसके बाद आप ऑप्शनल कर दीजिए, फिर एक दिन जीएस कर दीजिए, फिर ऑप्शनल कर दीजिए। और ऑप्शनल में ये बता दूँ कि बच्चे एक गलती बहुत करते हैं कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक पे चले जाते हैं कि डायनेमिक को डील करना है, डायनेमिक को डील करना है, उस चक्कर में स्टैटिक पोर्शन जो है वो जिसको एक्चुअली में आपको याद करना है और उसका वेटेज मिनिमम 75-80% है, तो आपको उसका रिग्रस रिविजन करने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल आप डायनेमिक को समय दीजिए लेकिन स्टैटिक को नहीं भूलें। तो डेली इस प्रकार से ऑब्वियसली हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा समय लोगों को ऑप्शनल को देना पड़ता है जी, जी। तो हर व्यक्ति का अलग अलग होगा टाइम मैनेजमेंट, वो आपको खुद डील करना है जी। लेकिन हाँ, जो ऐसे एथिक्स है, इससे है, इस पर फोकस आपका कम नहीं होना चाहिए जी, जी। जी सर, आपने तो काफ़ी विस्तार से टाइम मैनेजमेंट को लेकर के रणनीति बताई है। अब मैम, हम हमारे डिस्कशन के लगभग हमने सब पक्षों पर बात कर ली है कि जीएस को कैसे मैनेज करना है, ऑप्शनल को कैसे मैनेज करना है। अब एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट छूट जाता है मेंस में, वो है कंपलसरी सब्जेक्ट जो लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश का। तो उसके लिए उसको लेकर के स्टूडेंट्स को अंतिम 30 दिनों में अगर किसी की चुनौती आ रही है तो उसको कैसे डील करना चाहिए? देखिए सौरभ, एक तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट अवेयर होंगे कि अगर आपने कंपलसरी लैंग्वेज पेपर्स को क्वालिफाई नहीं किया तो चाहे आप जीएस में, एसए में या फिर ऑप्शन में जितना भी अच्छा परफॉर्म करें, आपकी परफॉर्मेंस का कोई ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला सुझाव तो ये है कि आप ये देखें कि आपकी स्थिति क्या है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो लैंग्वेज पेपर में कम्फर्टेबल हों, कुछ हो सकते हैं कि उतना कम्फर्टेबल ना हो, कुछ हो सकता है इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, कोई दूसरा जो हमारी अनुसूची की भाषाएं हैं उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट अगर हिंदी में दे रहे हैं तो हो सकता है हिंदी में कंफर्टेबल ना हो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्थिति का सही से आंकलन करना और उसके अनुरूप रणनीति बनानी है। अब आप रणनीति कैसे बना सकते हैं वो भी डिफर करेगा। आप जो चीज़ें कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, जैसे कि ग्रामर का काफ़ी अच्छा पोर्शन पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जा रहा है, इंग्लिश पेपर में भी पूछा जा रहा है, तो उस पर अगर एक स्टूडेंट काम कर लेता है ना, इस तरह से और कुछ एरियाज आइडेंटिफाई कर सकता है जो उसके लिए सुटेबल, उसे लगता है कि इन पे कम समय देकर वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकता है। तो बेसिक बात ये कि आपको इनकी इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी एक रणनीति बनानी होगी। सुझाव ये है कि आप इन पेपर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। निश्चित ही मैम, साथ ही ऐसे भी क्योंकि इन दोनों ही लैंग्वेज के पेपर में पूछा जाता है जी। और हमें वैसे भी मेंस का जो एग्जाम उसमें भी ऐसे लिखना होता है, तो वो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि ऐसे और अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जा सकता है। बिल्कुल, पकड़ को मजबूत बनाया जा सकता है। और सौरभ, यहाँ पर लैंग्वेज मैटर करती है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होंगे उनके लिए हिंदी में ऐसे लिखना चैलेंजिंग होगा, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इंग्लिश में ऐसे लिखना चैलेंजिंग होगा। तो थोड़ा सा एक बच्चा अपनी लैंग्वेज पर काम कर सकता है। अगर उसे इशू आ रहा है तो एक इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ने का अभ्यास वो कर सकते हैं, कुछ 1-2 पैसेज डेली जो है इंग्लिश में लिखने का अभ्यास वो कर सकते हैं, छोटे सेंटेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटे सेंटेंस बनाए, लेखन अभ्यास करें, तो इससे देखेंगे कि ये जो इशू है ये रिजोल्व हो जाता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। अगर आप बिल्कुल बिना अभ्यास किए जाएंगे और आप इतना हिंदी में पढ़ने और लिखने के अभ्यस्त हैं, अचानक से आपको अंग्रेजी भाषा में लिखना पड़ रहा है तो वो हेजिटेशन वहां पर आती है, आप नहीं लिख पाते हैं। तो थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, कमियां आपको पता चल जाएंगी, उन पर काम कर लेंगे, तो फिर आप इन लैंग्वेज पेपर्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, बट फॉर गारंटीड नहीं। यहाँ पे सौरभ, मैं ये मैम ने बड़ा अच्छा बताया, ये मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि ज्यादा आपको कंफ्यूजन है, जैसे हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम लग रहा होगा,
तो दो तीन साल का पेपर टेस्ट की तरह दे दीजिए। जी जी सर। और कोई व्यक्ति हो या मेंटर हो टीचर हो उससे आप चेक करा लीजिए। हाँ सर। है ना, उससे आपको ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी कहाँ गड़बड़ है। हाँ। और वो उसी पे आप फोकस अगले एक महीना कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल करके उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। जी सर, मैम आप दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एक अच्छी रणनीति के बारे में चर्चा की है। अब हम अपने डिस्कशन को एंड करने वाले हैं, तो इस अंतिम 30 दिन के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। मैम पहले आप हमें बताएं। जो मेरी टिप्स है, मैं स्टूडेंट से यहाँ सीधा बात करना चाहूँगी, अपने मनोबल को बना कर रखिए। आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपने मेहनत की है, उस पर विश्वास रखिए। एक समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है कि जब अभी ये वीडियो देखते हुए भी वीडियो बंद करके जब आप सोचेंगे मैंने क्या पढ़ा है, तो आपको लगेगा कि सब खाली है। लेकिन विश्वास रखिए, जब एक प्रश्न आएगा तो हमारी सारी ऊर्जा उसी टॉपिक पर चैनलाइज होती है। हमें कंटेंट, डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल, जो हमने पढ़ा था वो मैक्सिमम चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आत्मविश्वास आपको बना कर रखना है। लास्ट में मैं गीता का ज्ञान यहाँ पर साझा करना चाहूंगी, कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना आपके हाथ में है, फल की चिंता मत कीजिए। और आप देखेंगे कि अगर सिर्फ आप कर्म पर बल देते हैं, फल की चिंता को छोड़ देते हैं, तो आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी यही समाप्त हो जाएगा और आपका जो निष्पादन है वो पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू, आपने अपने टिप्स दिए हमें। अब सर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बेसिकली मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस का नेचर बिल्कुल अलग है। प्रीलिम्स में आपने कितना भी अभ्यास किया है, कितना भी प्रैक्टिस किया है, लेकिन बड़ा मैटर करता है कि वो दिन कैसा है आपके लिए। वहाँ पे लक फैक्टर भी काम करता है। जी सर। ये मेंस का जो नेचर है, यहाँ पे लक फैक्टर सबसे कम काम करता है। यहाँ पे आपका मेहनत, आपका प्रैक्टिस काम करता है। अगर आपने टेस्ट खूब लिखा है, सही दिशा में लिखा है, टॉपर्स कॉपी एनालिसिस किया है, PYQ एनालिसिस किया है, तो पक्का आपका मेंस होगा, डरना नहीं है। और 30 दिन बहुत समय है, आपको टेंशन नहीं लेना। आप चूँकि प्रीलिम्स के लिए पढ़े, प्रीलिम्स निकाले, अब मेंस लिखने जा रहे हैं, छोटी बात नहीं है। तो आपके पास नॉलेज है, बस उसको आपको सही दिशा देना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो ये कहावत है, ये मेंस में चरितार्थ होता है। तो बेस्ट ऑफ लक। सर और मैम, आप दोनों का ही हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको जो मेंस के लिए रणनीति है वो एक बेहतर रणनीति आपको मिली होगी, और हम इसी तरीके से और भी फैकल्टीज़ के साथ में इसी तरह के वीडियोस लेकर के आएंगे। तब तक हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।